A very good morning to all my students. So today we will be reading chapter number 7, A Rupee Goes a Long Way. So in this chapter, we are going to read about an innocent boy who had a 1 rupee coin which was out of use. And let's find out how did that 1 rupee coin goes a long way from one hand to another, and then at the end of this chapter we'll see that how the wish of the boy got fulfilled at the end. So in this chapter, as you all know, I will follow whatever I was following earlier. So first of all, I will tell you the introduction part, that what we have to read in this chapter. Secondly, I will explain this chapter to you line wise. I will read one line and then explain it to you in Hindi. So for your convenience, this lesson is going to be bilingual. So I'll try to teach you in both Hindi and English so that you can understand it well. Okay, and if you think you have any doubts, then I have already told you, you can ask me in the subject group. And yes, try to listen to it very carefully. Okay, so ये story एक बहुत ही innocent boy की है, बहुत ही मासूम बच्चे की है, जिसके पास 1 रुपये की coin होती है. और वो 1 रुपये की coin अब use में नहीं आती थी, अब उसे use नहीं किया जाता था. That means अब वो पैसे नहीं चलते थे. सो ही वेंट टू अ शॉप, वो एक शॉप पर जाता है और ही वॉन्टेड टू हैव जलेबीज, जूसी जलेबीज. सो ही गेव दैट 1 रुपी कॉइन टू दैट शॉपकीपर, बट शॉपकीपर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. और वो शॉपकीपर उस 1 रुपी कॉइन को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं. एंड ही टोल्ड दैट दिस 1 रुपी कॉइन इज़ आउट ऑफ यूज़, अब इसे यूज़ नहीं किया जाता है, अब ये पैसे नहीं चलते हैं. सो ही गॉट वेरी सैड बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू हैव दो जलेबीज. ओके, वो बहुत ही टाइम से ये सोच रहा था कि उसे इस 1 रुपी कॉइन का क्या करना है. लाइक एवरीबडी डज, इफ़ वी गेट मनी, इफ़ वी गेट एनी मनी फ्रॉम आवर पेरेंट्स, देन वी कंटिन्यूसली थिंक ऑफ how should we spend this money, what should we buy. So similarly that boy was thinking that how can he use that money. Okay, so he became very sad ki use kaise is money ko use karna chahiye. Or suddenly he knew that this money is out of use, is money ke koi use hi nahi hai. सो बहुत ज़्यादा सैड होने के बाद, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो 1 रुपी कॉइन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाती हैं, और एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी यू विल फाइंड दैट हिज विश गॉट फुलफिल. एंड हाउ, लेट्स फाइंड आउट. और आप एंड में ये देखोगे कि उसकी जो विश होती है जलेबीज़ खाने की, उसकी जो इच्छा होती है जलेबीज़ खाने की, वो आखिरी में पूरी हो जाती है. बट कैसे होती है, विल फाइंड आउट इट विद दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. रंजी हैड अ 1 रुपी कॉइन. सो द नेम ऑफ दिस बॉय इज रंजी. सो रंजी के पास 1 रुपी की कॉइन थी. He had it since morning, and now it was afternoon, and that was far too long to keep a rupee. And ये coin उसके पास सुबह से थी, और अब afternoon यानी कि दोपहर हो चुकी थी, और एक रुपये को इतने लंबे समय तक रखना बहुत बड़ी बात है. In his head, Ranji made a list of the things he wanted to buy and eat. So, मैंने ऐसा क्यों कहा that it was a big deal to keep 1 rupee coin
for that long time. So generally what happens when a child gets a rupee coin, he or she runs to the shop and asks whatever he or she wants. ओके सो वे जो भी बच्चे होते हैं जनरली उनके पास उनके साथ ये होता है कि जब भी उनके पास पैसे होते हैं तो वो तुरंत शॉप में जाते हैं दौड़ते हुए और उन्हें जो चाहिए होता है वो उसे लेते हैं. बट हियर रणजी केप्ट दैट 1 रुपी कॉइन फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून. लेकिन रणजी ने उस 1 रुपी कॉइन को सुबह से लेकर आफ्टरनून तक अपने पास रखा. ओके एंड ही वॉज मेकिंग द लिस्ट ऑफ वॉट ही वॉन्टेड और वॉट ही वॉन्टेड टू ईट. सो उन्होंने अपने माइंड में, रंजी ने अपने माइंड में उस 1 रुपी कॉइन का उसे क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या खाना है, ये सभी वो मॉर्निंग से आफ्टरनून तक वो उस उन चीज़ों की लिस्ट बना रहा था. ही डिसाइडेड दैट हिज स्टमक शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस. और उसने ये डिसाइड किया कि उसकी स्टमक को पहली प्रेफरेंस दी जानी चाहिए. दैट मीन्स वो उस 1 रुपये कॉइन का क्या खरीदे, किन किन चीज़ों को खरीदे, ये तो दूसरी चीज़ थी. लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो अपने स्टमक को देना चाहता था, अपने पेट को देना चाहता था. दैट मीन्स ही वॉन्टेड टू हैव समथिंग टू ईट. ओके वो कुछ खाना चाहता था. सो ही मेड हिज वे टू द जुम्मा स्वीट शॉप, टॉस द कॉइन ऑन टू द काउंटर एंड आस्क हर फॉर सम जलेबीज. ओके सो रंजी जुम्मा स्वीट शॉप की तरफ बढ़ता है और उसने कॉइन को जाकर उस काउंटर में बहुत ही जेंटली थ्रो कर दिया, बहुत ही जेंटली रख दिया. बहुत ही आराम से उसने काउंटर पे रखा और उसने कुछ जलेबीज मांगे शॉपकीपर से. सो वेयर डिड रंजी गो, रंजी कहाँ जाते हैं? रंजी एक शॉप में जाता है, उस शॉप का नाम होता है जुम्मा स्वीट शॉप एंड देयर ही आस्क फॉर सम जलेबीज, थ्रोइंग दैट 1 रुपी कॉइन टू द काउंटर. उस 1 रुपी कॉइन को काउंटर पे फेंकते हुए बहुत ही आराम से उसने जलेबीज मांगा. आई होप यू ऑल आर क्लियर दैट दिस बॉय इज वॉन्टिंग टू हैव समथिंग टू ईट. ही हैज़ गिवन हिज स्टमक प्रेफरेंस. उसने अपने स्टमक को प्रेफरेंस दी है, इम्पोर्टेंस दी है कि पहले वो इस 1 रुपी कॉइन से कुछ खाएगा, देयर आफ्टर ही विल बाय एनीथिंग. उसके बाद ही वो उस पैसों का कुछ करेगा. सो यू विल बी थिंकिंग दैट वॉट विल हैपन इन 1 रुपी कॉइन. सो यू मे हैव हर्ड फ्रॉम योर फादर और योर मदर दैट देयर वॉज अ टाइम वेन 1 रुपी कॉइन हैड इट्स इम्पोर्टेंस. सो आज तो 1 रुपी कॉइन की इम्पोर्टेंस नहीं है, बट आप अपने फादर एंड मदर से अगर पूछोगे देन देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम था जब 1 रुपी कॉइन की इम्पोर्टेंस थी और उससे बहुत सारी चीज़ें ली जा सकती थी. द शॉपकीपर पिक्ड अप द कॉइन एंड टर्न्ड इट अपसाइड डाउन. सो द शॉपकीपर, वो जो शॉपकीपर थे, दुकानदार थे, उन्होंने उस कॉइन को उठाया, उसे अपसाइड डाउन मतलब ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ उस कॉइन को देखा एंड ही सेड दिस कॉइन इज़ नो गुड. और उन्होंने कहा कि ये कॉइन सही नहीं है. नो गुड मीन्स ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, ये कॉइन सही नहीं है, दिस कॉइन इज़ नॉट राइट. आर यू श्योर? आस्क्ड रंजी. सो रंजी ने कहा, क्या आप श्योर हैं कि ये कॉइन सही नहीं है? लुक सेड द शॉपकीपर होल्डिंग अप द कॉइन. शॉपकीपर ने, होल्ड करना मीन्स पकड़ना, उस कॉइन को पकड़ते हुए उसे दिखाया कि देखो, इट इज गॉट इंग्लैंड किंग्स जॉर्ज ऑन वन साइड, दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज लॉन्ग अगो. देखिए, इस कॉइन के एक तरफ इंग्लैंड के किंग जॉर्ज की इमेज है और ये कॉइन अब बहुत पहले ही चलना बंद हो चुकी थी, इसकी यूज़ होना बहुत पहले ही बंद हो चुकी थी.
Like after demonetization, that 500 रुपी नोट गॉट आउट ऑफ यूज. जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन के बाद वो जो 500 रुपी की नोट हुआ करती थी पहले, वो चलना बंद हो गई थी, वो यूज़ में आना बंद हो गई थी. सिमिलरली हर एक करेंसी का कोई एक टाइम पीरियड होता है. ओके, सो उन्होंने बताया कि इस कॉइन के वन साइड में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज की फोटोज लगी हुई हैं, इमेज बनी हुई है. लाइक इन आर नोट्स देयर इज़ अ इमेज ऑफ महात्मा गांधी. सो हर एक कंट्री में जो भी वहाँ के इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, उनके इमेज को उन उस कॉइन में या उस नोट में क्या किया जाता है, इम्प्लिकेट किया जाता है. ओके, सो उन्होंने बताया कि वन साइड में किंग जॉर्ज की इमेज है, सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस कॉइन बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ यूज़. रंजीत टुक द कॉइन, लुक लॉन्गिंगली एट द हॉट जलेबी, श्रग्ड एंड केम ऑन टू द रोड. सो रंजी ने उस कॉइन को उठाया और बहुत ही लंबे समय तक, जैसे कोई एक बच्चा किसी चीज़ों को देखकर अगर वो खाना चाहता है तो कैसे लंबे समय तक देखता है, उसने जलेबी को बहुत लंबे समय तक देखा. लाइक ही वॉन्टेड इट बैडली. ओके, ही वॉन्टेड टू ईट जलेबीज बैडली. बहुत ही ज़्यादा वो खाना चाहता था जलेबीज. बट वेन द कॉइन वॉज नॉट यूज, जब कॉइन की यूज़ नहीं होती है, जब उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं शॉपकीपर, देन ही बिकेम वेरी सैड. वो बहुत ही लंबे समय तक उन जलेबीज को देखता है और अपने शोल्डर्स को, लाइक हम करते हैं ना, ओह ये हमें नहीं मिली, इस तरह से वो क्या करके वो वहाँ से निकलता है और रोड के तरफ बढ़ता है. ही स्टार्टेड ऑन हिज वे बैक व्हेन ही हर्ड अ फेमिलियर वॉइस. और वो अपने रास्ते में चल पड़ता है. वो अपने रास्ते में चलता है, उसी समय उसे एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है. फेमिलियर वॉइस मीन्स द वॉइस विच यू हैव हर्ड बिफोर. उसे एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो उसे जानी पहचानी लग रही थी, उसने वो आवाज़ सुनी थी. वेयर आर यू गोइंग रंजी? इट वॉज हिज फ्रेंड मोहिंदर. सो हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम मोहिंदर. मोहिंदर वॉज हिज फ्रेंड. मोहिंदर रंजी का फ्रेंड था. उसने उसे कॉल किया और कहा, वेयर आर यू गोइंग रंजी, तुम कहाँ जा रहे हो? ही हैड मेड अ होम मेड फिशिंग एंड नॉट कम्प्लीट विथ हुक एंड लाइन. ओके, और उसने घर पे ही फिशिंग जो रॉड होती है उसे बनाया था. ओके, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर, सेड रंजी. सो रंजी ने कहा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ. सो हियर दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन लेट मी नो इन द इनबॉक्स सेक्शन. आई विल क्लियर योर डाउट्स. सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस मच विच आई हैव टॉट यू टुडे. सो आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है. सो यू हैव टू डू वॉट, यू हैव टू राइट डाउन दोज वर्ड्स विच आर वेरी डिफिकल्ट. लाइक इफ आई से प्रेफरेंस, प्रेफरेंस इज द वर्ड विच यू विल राइट, PREFERENCE, प्रेफरेंस. सेकेंड इज फेमिलियर, फेमिलियर. एंड थर्ड इज लॉन्गिंगली, श्रग्ड. टॉस्ट, शॉपकीपर. होल्डिंग, सो दीज आर फ्यू वर्ड्स विच यू विल राइट इन योर कॉपी, इन योर इंग्लिश कॉपी. यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स ओनली. आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट दीज वर्ड मीनिंग्स. ओके, विच इज़ इन द येलो बॉक्स. सो यू विल राइट दीज वर्ड्स इन योर कॉपी, लर्न इट आउट, एंड दिस इज योर क्लास वर्क. यू हैव टू राइट डाउन दीज वर्ड्स इन योर कॉपी एंड देन सबमिट इट इन द सब्जेक्ट ग्रुप.